असलम क्लास करेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला हम किसी भी लैब में जाए वहाँ पर हमें डिफरेंट केमिकल्स रखे हुए नज़र आते हैं जिनके ऊपर उनके नेम और नीचे उनके फार्मूलाज मैंशन होते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स ली हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है एच टू एस ओ फोर एंड नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है एच एन ओ थ्री आप देख रहे हैं कि ऊपर इसके क्या लिखा हुआ है नेम ऑफ़ दी कंपाउंड ठीक है और नीचे जो एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री लिखा हुआ है वो क्या है केमिकल फार्मूला ठीक है मेंशन हो गया अब मैं एक एग्जांपल लूंगी एक मैन है उसके टू हैंड है एक ऑक्टोपस है उसके एट है तो ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए हमें फोर मैनस रिक्वायर्ड होने चाहिए ठीक है यानी कि हमारे पास ये क्या है इनकी वैलेंसी फोर मैन की वैलेंसी एस से रिप्रेजेंट हुई है और ऑक्टोपस की ओ से तो ये जो वैलेंसी है ये दो एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ क्या करती है कंबाइन करती है और एक फार्मूला राइट करती है जो कि मालिकुलर फार्मूला बन जाता है या केमिकल फार्मूला कहलाता के है ओके अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है जैसे H2O टू ओ यहाँ पे ऑक्सीजन हाँ, है ऑक्सीजन ने एक एक हाइड्रोजन के एटम को अपना अपने साथ बाउंड बनाया अपने साथ बाउंड बनाया और यह बन गया वाटर का मॉलिक्यूल H2O टू ओ ठीक है यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की वन है ऑक्सीजन की टू है दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा एच अब हमारे पास आ गया है एन एच थ्री नाइट्रोजन की थ्री हाइड्रोजन की वन तो ये बन जाएगा एन एच थ्री यहाँ पे एक मैंने टेबल मेंशन किया है वैलेंसी मेटल नॉन मेटल एंड कॉइन यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे हुए हैं ठीक है जो बताते हैं इसकी वैलेंसी वन है इसकी वैलेंसी टू है एंड इसकी है, इसकी यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी वन है मैग्नीशियम की टू है इसी तरह एल्यूमिनियम की थ्री है ठीक है 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 की दोनों का फार्मूला क्या बन एस सी इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड है मैग्नीशियम की टू सी की वन एम जी ओके फिर आ जाएगा हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड ए एल ओ टू ओ थ्री सी सी एल सी की फोर सी एल वन सी सिग्निफिकेंट ऑफ केमिकल फार्मूला इसमें आ जाता है हमारे पास इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस एस टू ओ वाटर इट टेल द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कम्पाउंड इट इंडिकेट द मैस ऑफ कंपाउंड इन ए एमयू और ग्राम ठीक है यानी कि हमें एक इक्वेशन में उसके सबस्टांस का नेम एलिमेंट्स का नेम और उसके मैस ऑफ कंपाउंड को बताता है कि वो कौन सी फॉर्म में ग्राम में है या ए एमयू में फोर्थ इसका पॉइंट आ जाता है इट इंडिकेट द मालिक्यूल ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड एंड इट इंडिकेट द मैस ऑफ द कंपाउंड इन ए एमयू और वन ग्राम एंड थर्ड लास्ट में आ जाता है इट रिप्रेजेंट वन मॉल ऑफ मालिक्यूल इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे हमें बताता है कि मालिक्यूल जो है वो हमारे बैलेंस इक्वेशन में कितने मॉल्स हैं ठीक है थेके? अब आपने ये टॉपिक पूरा प्रिपेयर करना है और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपने राइट करनी है